हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच जहां भारत के पड़ोसी चीन सहित दुनिया के तमाम देश अत्याधुनिक हथियारों की होड़ में लगे हुए हैं, ऐसे में भारत भी तेजी से अपनी रक्षा जरूरतों को चार चौबंद करने में लगा हुआ है, जिसके लिए कुछ हथियारों का तो वो देश में ही निर्माण कर रहा है, वहीं कुछ अलग और विशेष क्षमता वाले हथियारों का दुनिया भर के अलग अलग देशों से इंपोर्ट भी कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, उभरते भारत को विश्व शक्ति बनाने में एक और तस्वीर निकल कर सामने आई है। दरअसल भारत पिछले कुछ दिनों से अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का समुद्र में परीक्षण कर रहा है। वहीं दोस्तों, 15 अगस्त को आज़ादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसे में भारतीय सेना का लंबे समय से इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए कुछ नए घातक लड़ाकू विमानों की जरूरत थी, जो इस एयरक्राफ्ट की क्षमता को समुद्र में अजेय बना दें। वैसे भी दोस्तों, किसी भी एयरक्राफ्ट की ताकत उस पर तैनात फाइटर जेट्स को ही देख कर की जाती है। वहीं दोस्तों, इस समय इंडियन नेवी में शामिल होने के लिए फ्रांस के लड़ाकू विमान राफेल एम और अमेरिकी फाइटर प्लेन FA-18 सुपर हॉर्नेट के बीच मुकाबला चल रहा है। नौसेना इन दोनों विमानों को बारीकी से परख रही है। दरअसल दोस्तों, किसी भी विमान को किसी दूसरे एयरक्राफ्ट पर टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए उसमें कुछ जरूरी बदलाव करने होते हैं। ऐसे में ये विमान एयरक्राफ्ट कैरियर में टेक ऑफ और लैंडिंग किस प्रकार करेंगे, इंडियन नेवी इसकी भी जांच कर रही है। हालांकि अभी वर्तमान समय में INS विक्रमादित्य में रूसी लड़ाकू विमान MiG-29 को तैनात किया गया है। दोस्तों, इसी साल जनवरी में राफेल विमान के समुद्री वर्जन ने गोवा के INS हंसा में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में राफेल विमानों ने साबित कर दिया कि वो भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर सकते हैं और उस पर लैंड भी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा बनाए गए FA-18 विमान इन दिनों गोवा में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि परीक्षण के लिए सिर्फ इन्हीं दो विमानों को क्यों रखा गया। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राफेल एम और F-18 विमान एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने वाले दुनिया के सबसे खतरनाक विमानों में से एक हैं। अगर बात क्षमता की जाए तो दोनों ही विमान एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। वहीं दोनों ही विमानों में इंडियन नेवी के डिमांड के अनुसार दो इंजन लगे हैं। अगर किसी मामले में अमेरिकी विमान F-18 को बढ़त है तो किसी में राफेल एम को। हालांकि दोस्तों, भारतीय सेना राफेल विमान पहले से ही यूज करती आ रही है, इसलिए नौसेना भी अगर राफेल चुनती है तो एक जैसा प्लेटफॉर्म होने के कारण ऑपरेट करने में भी सुविधा होगी। दरअसल दोस्तों, 2017 में इंडियन नेवी ने दो इंजन वाले लगभग 57 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया था, लेकिन अब इस नए एयरक्राफ्ट के लिए सिर्फ 26 लड़ाकू विमान ही खरीदे जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे में इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि इंडियन नेवी के लिए कौन सा विमान सबसे ठीक रहेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।